कारण है ये सारा कांड कर शुरू करे रहे हैं। बड़ा भयं तो कोनो बात नहीं है सुखलाल। मुरली मनोहर के चर्चा करे 20-25 मिनट मेरी माताएं बहन भी बैठी है, उसके बाद दोनों तरफ से लाइन चेंज की जाएगी। चल भगवान मुरली मनोहर श्रीदामा से ही सारे सखा को बुलाए दो। बुलाए के बाद भगवान कन्हैया श्रीदामा से कहें, श्रीदामा तोहरे हाथे हमारी जीत बा। श्रीदामा धीरे से अपन ऐसे ऐसे करें कन्हैया, जब देखा तू हमको बुलाए कर हट है। भगवान कन्हैया हाथ जोड़ के कहा, यार सुदामा बिना तोहरे, अरे बिना बघने के जग पूरी, तू पंडित है बिना तोहरे काम होई न। कहे का करेगी बात, कहे तोहरे साथे हमने जा तू बड़ा बेमान, तू बड़ा चोर, तू हमका ले जाए तो हम चुतिया बनावट। कन्हैया हाथ जोड़ के कहा, भाई साहेब हम तुझसे वादा करते, हम तुझसे वादा करते एक को पैसा बेमानी न कर, लेकिन एक काम बता या डॉक्टर, यह खर्च कलाम की मुझे मिल गया बहाना तेरे ईद का, ऐसी खुशी ले के आया चार, अरे ईद का। भगवान कन्हैया क्या कहते हैं बाबूजी, कहा ए सुदामा, अरे मोरा राधा से मिलना है। भाई साहेब हम और कोनो क्या, हम और कोनो काम सुनाए जाते, केवल राधा से मिले के बाद बरसाने चल, केवल राधा छिंगड़े दिखाए का प्यार कहा थी, एका प्यार कहा थी, कहा मोरा राधा से मिलना जरूरी था, मोरा राधा जरूरी था, मोरा राधा जरूरी था, मोरा राधा बिना मिले मोर इच्छा, बिना मिले मोर इच्छा धूरी भाई साहेब बरसाने चल के केवल मुलाकात करा तो सुदामा कहन सुना अब के रीति सुदामा के रीति क्यों करे समझ लिया कर भाई साहेब हम तुझसे वादा करते हम तनको बेमानी नहीं कर, अगर जवन काम करा जवन काम करा पहले तुका चिखाओ हम वादा करते भाई साहेब पहले तुका खियाई दे ओकरे बाद हम सुदामा कहे बस सत्ता हमार तो हाथ तय और चल दिए बाबूजी तो कहना है
धीरे धीरे पूरी सखा को टोली बरसाने में पहुंचिया है। बरसाने में भाई साहब ललिता विशाखा राधा सब एकदम महान लेती है, सोच है एकदम एकदम बढ़िया केस फैलाए लेती है। भाई साहब जितना सखा है कन्हैया सबको ड्यूटी लगाए गए हैं, कई सुंदर एक एक कोने निकल जात जा और जनला से ध्यान ध्यान देखे तो सवाल आए बतावा कहा कहता है भैया राधा अरे सोत यहाँ भाई साहब कचहरी टांगी रहा है, कचहरी ऐसे टांगी रहा है तो कन्हैया देखिन शिकार टांगी बा कचहरी का ऐसे टांगी बा और सुदामा से कहन भाई साहेब माखन टांगा बा लेकिन ललता हरण सोबत यहाँ जुआर लागे तो कैसे लागे कहन रे यार अंदर जाबा तो पकड़ जाबा खिड़की से चढ़े में बड़ी कठिनाई बा तो हमारा भगवान कन्हैया एक बात कहन कहन सुदामा ब्रह्म देवता सुदामा कहन कन्हैया कहन सुदामा तू भैया तू चाह ले गया तू चाह ले माखन मिली अब तू ना चाहगा तो सुदामा कहन कन्हैया कही दी ना लिया के आए के बाद खटखट शुरू हो गई बाहर कहन भाई साहब आस्ते बोला धीरे बोला नहीं राधा हरण जागरी ही तो वही फिर मालूम अड़ गई कहा तब कहा बस भाई साहब ऐसे निगुल जाते कन्हैया अब हम निहुरी हाँ यार कन्हैया भगवान कहीं कहीं आस्ते बोला यार आखिर धीरे में बोला नहीं तो राधा हरण जाग गई हूँ बस तभी की देरी के बाद वो निहुल जा भाई साहब कहा निहुल जाए अरे बाप रे बाप वही कहना है
गया अगर माखन खाए भोज बस निहुरिया अरे एक ₹50 का पुरस्कार भैया का प्रणाम हो ध्यान दे आप सब भगवान कन्हैया कहे सुदामा तन की बेरी की निहुर जाती कहन कन्हैया भी है सब करवावे बड़े तुली आई आई यहाँ भाई साहब सुदामा सबसे नीचे एक 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 पे सबसे ऊपर के पहुंचा कन्हैया इतना चालाक सबसे ऊपर वो चढ़िए और कन्हैया चढ़ गए भाई साहब करें का वही ऐसे शिकार दिखा दिया कचहरी दिखा छुआ वही ऐसे हाथ पौनाए हाथ पौनाए के भाई साहब बढ़िया माल निकाले बढ़िया माल निकाले ना कन्हैया काम लगाए गए अब शिकेहर मुहिम कन्हैया का पानी आएंगे कहाँ पर वादा कर रहे सुदामा से तो होगा पहले किया हो अब सुदामा के निहुलाए हैं नीचे बंटू सुदामा बढ़िया निहुरा है कन्हैया पर काम लगाए हैं ओहर निकाल के माखन बढ़िया है माल माल जितना हम सब अंदर हो हुआ का जो मुरहान नीचे का हा? नीचे पनियंगा जो पनिया रहन है वह ऐसे पिठासा बगर तो ऐसे धीरे धीरे सुदामा का जब ऐसे एक बार कर सुदामा लगे पहुंचा सुदामा जब ले तो कहा कन्हैया कन्हैया कहे आस्ते बोला यार जाना कहे बचाया कहे करे बेईमानी तेरी बेईमान की है अरे बाप रे कहे इतनी बड़ी बेईमानी बढ़िया तुम अखन खाता है हम तो टूटिया बनाए इसमें नीचे निहुराए हम निहुरा है कन्हैया कहा धीरे में बोला भाई साहब नहीं बहन कचहरी अगर जाग जाये ना तो वैसी तो कैसी हो जाये वही श्रीदामा धीरे से अपन कमर दिए खपकाई श्रीदामा धीरे से अपन कमर दिए खपकाई अरे उलट पुलट सब क्या बताइए हमारे भाई हो कहा अरे राम चला हो माखन चोरी के चले अरे कन्हैया पकड़ के लटके शिकार वाली चोरी चला हो माखन चोरी के चले कन्हैया पकड़ के लटके शिकार वाली चोरी चला हो माखन चोरी के चले धीरे से कमर सुदामा खसकाए गए जब धीरे से सुदामा पीछा पर हटाए गए तो जितना पहले पेट एक कमरे खसकामन में लगी एक पेट तरफ गिरे अब भाई साहब ऊपर के रहन कन्हैया
कन्हैया भगवान करे का शिकार के डोरी रही वही पकड़ के इसके लटकाया है। आप बतावा उस शिकार के डोरी ससुरी भगवान को वजन बर्दाश्त करे वो भाई साहब जब पट धनिया टूट गए आज जब टूट गए तो भगवान कन्हैया वही जहाँ राधा हरण लेती रह राधा ललता विशाखा हरण जहाँ लेती रह वही गिरे नहीं छे राधा जग गई राखी कहा ए दीदी ए दीदी ए ललिता मास्टर अरे टूटली निदरिया बोली राधा गुदरिया हमार बहिनिया हमार बहिनी लैके दिया जब आई बहरवाधा जी छिपा रहे हो सुन राधा लता विशाखा जग गई है सारी बरसाने की गोपियां जग गई है कन्हैया गलत का है कन्हैया बढ़िया मौका पाए जहाँ राधा लेटी रही चारपाई के नीचे घुसर गए बारे मुर्दे मनो दुनिया का मालिक आज नारायण दुनिया का मालिक राधा के चारपाई के नीचे घुसरा है ऐसी दिया लेकर राधा हेरा बिलरिया कहाँ गए बिलरिया कहाँ गए बाबू जी बड़का बिल्ला घुसरा बाटे चारपाई के नीचे नारायण घुस रहा भगवान कन्हैया चारपाई के नीचे राधा एक मिनट एक मिनट और ललिता हरण पकड़ के कहने दीदी ए राधा ए अरे बिलार नहीं है यशोदा मैया की बिल्ला आई देखा बड़का बिलरवाया आई गया ऐसे बात बाबू जी मर देखा एक प्यार का एक के प्यार अब प्यार जे करे हो हम जमन जितना जमन बताऊ अगर घटाई लेगा अगर अगर बात सत्य न उतर जाये या हमारे गायकी में कम कमी है बताऊंगे या तो आप लोग को सुनेंगे जे भाई प्यार करे हो जान डॉक्टर साहेब राधा ललिता हरण ऐसे मर गुस्सा में क्या जैसे प्यार कर दो गुरु जी जान रहा सावित्री ऊपर से गुस्सा रहा अंदर से इतना बड़ा प्यार रहा राम राम का फल खाना खाए कि देसी घी टप राकेश चेहरा तो झिझक रहेगा क्या बताए
अरे प्यार रहा तो मेहरारू मन से दून, झगड़ा हो तो दास एकदम खोज के बतावता। दोनों प्राणी में झगड़ा हो जाए मेहरारू मन से दू जब सामने आई जाए तो न देखी। लेकिन भाई साहब अपन मेहरारू अब बोल चाल दोनों नहीं गए, लेकिन तन को मन से दू जैसी हो तो मेहरारू से कंगनिया देखे, देख के मन से दू देखे। हमारे अपने खाए नहीं गुजरान एक प्यार बोले, एक प्यार बोले, ये प्यार होना चाहिए, यही प्यार सच्चा है। ये जान लीजिए सब बेकार है। अब राधा ललिता है हमारे ऊपर गुस्सा है, नीचे तो कन्हैया बड़े व्याकुल यहाँ ऐसे ऐसे किसी कन्हैया। अब आ गए तो कहे तो कल रात में हिया हिया चुराव जाइए। और भगवान कन्हैया का करते हैं, ए राधा चुतरा, ए राधा कान पकड़ के, अब ना आओ, अब जाए तो बस नाना कहीं ना जाए दे। अब लग चलो तुम्हें मजा लगी, तुम्हें जो कहा हमारा कन्हैया चोर नहीं। अरे बाप रे बाप, ललिता विशाखा पुण्या जितना रही से दू के बिना बांधे आज ले चले उनका मानव न वही बांधत यहाँ पूरे बरसाने तरह शरीर इकट्ठे कर गए। रुके रुके रुका यार, वही फिर आ गए मुन्ना भाई पटेल ऑनलाइन सेंटर पूरे रुद्रसाथ से 51 रुपया भैया की तरफ से, ग्राम प्रधान संदीप शर्मा 100 रुपया पुरस्कार, डॉक्टर राम खाने का गावत रहे। अरे हाय कहे सुखलाल, अरे झकोरा मारे झूलनी, अरे झकोरा मारे झूलनी, वही साड़ी भगवान कन्हैया का बाढ़ है बाबू जी। और कन्हैया एकदम मुस्कुरा खड़ा है, राधा को देख के तनिक तिरछी मुस्कुराए दे। ए राधा, ए राधा हम कान पकड़ा थे हम ना आओ ना खमका पेरी की छोड़ दे, कहा हम का करी हमारे वस्तु का ललता खिसिया नहीं लगता है बांधा दे। बाबू जी है पूरे वर्षा के रसोई इकट्ठा करके बांधा दे, मारे कन्हैया पाक ऐसे खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है, रस्सी तकराया भी जुड़ी जाए। अरे बाप रे बाप, पूरी बरसाने की रसोई गुरु जी खाली होगी। अगर बरसाने की रसोई खाली तो ललिता कहा है दीदी, ए दीदी राधा से कहा है अब कैसे निकाले चली, कहूँ 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 ई बड़ा छलिया है कहूँ भाग ले जाए। कहा दीदी एक काम करते हो, कहा एक गहेर का छिपावा कहा कर दे, दुपहरिया बिताया हो। लेकिन सबका कहा दिया रे कांधा के राधा बहिनिया, अरे कांधा के राधा बहिनिया तनी लहंगा में छिपाया हो।
अरे ये भाग यही रस्सी बरसाने के पूरी तोड़ी जाए ने काम कर तू दीदी ही अपने लहंगा भी नहीं छुआ लुकाए के नहीं चल तू ये सौदा लगे कन्हैया मगर पर मुस्कुराहट है आप जुआ हम यही चाहते ही रहे चला कोई बात नहीं तो छिपाए ला बढ़िया राधा मारे दुलार को मारा अपने लहंगा के नीचे लुकाए के नान के रहबे में नान के रहबे में लहंगा के लुकाए के चल लिया चली जाते और लिया के चली जाते रहे बाबू जी बरसाने के और नंद बाबा के घर गोकुल और बरसाने के बीच में यमुना नदी थी यमुना नदी क्रॉस करके जो है गोकुल जाना था अब करण का सारी सखी यमुना यमुना नदी में हिल गए और हुई जब हिल गए तो इधर चली जाती है यमुना नदी में और जब यमुना नदी में चली जाती है ना तो ब्रह्म मेला में वसुदेव जी वो है यमुना स्नान कर आए और कन्हैया भगवान बढ़िया मौका देखे बढ़िया मौका देखी बाबू जी और वही जैसे राधा हरण यमुना नदी में हिले वैसे दुनिया का मालिक माया अपना निकल गए अपना राधा का लहंगा से वसुदेव जैसे डुबकी मारन अपना निकल उनका फिट गई देखे अपना निकल गए अपना निकल बेटवा निकल के बाबू फिट गई आपने बाप आपने बेटवा मजा ले सब बाप ले वसुदेव जी की फिट गए अपना निकल गए ना हमारे गाँव में बाबू जी माया देखे तुम नाम तो बनाए वसुदेव जी की फिट करे है ललिता है ललिता कहा विशाखा का दीदी लहंगा को देखेगा फंस गई ना राधा कहे चिंता न करा एकदम हम लोग इनका थामे और कन्हैया कहा थामे रहा है ऐसे थामे रहा तुम्हें जैसे राजनी की तरह थामे वाली मिले समझो हमका काम बहुत है तुम्हारे से वो बस क्या है बाबू जी एकदम चल तक लाइन हो एकदम माए मिनट मैया यशोदा सो रही है अभी गोकुल में बाबू जी गाना एकदम 5-7 मिनट का है गोकुल में यशोदा के दरवाजे पर ललिता विशाखा पूर्णिमा बड़ी ऊंची आवाज में यशोदा मैया के दरवाजे पर बोल गई छोड़ दिन कहीं के आए गए तरी बड़ी ऊंची आवाज में हमारे दरवाजे पे बोलत गया अगर ये सोदा मैया निकलिन तो कहें उहे ललता विशाखा आरन खड़कन देखा तू कहा कहो कि हमार लल्ला चोर नहीं रहा हमार कन्हैया चोर नहीं रहा तोरे कन्हैया के एक दिन पकड़ के दिखावा अब आऊ सुना या 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 तोरे कन्हैया छिपा के लेके आई या छिपा के ले आई हुई ये सोदो मैया हमारानीन की लगत कन्हैया पकड़ा गया और वही बाबू जी यशोदा मैया कहा सुना उड़ान बा यशोदा मैया कहा तो धोती के अंदर का देखा भेव तो धोती के अंदर का देखा भेव और हुमा से निकले बसु अभी भाई साहब जान ल राधा जैसे मतलब एकदम लहंगा उठाई और वैसे बाबू जी के कहा कन्हैया के निकल पकी पकी गाढ़ी में वसुदेव जी निकल आवत रहा और यशोदा कहे कस बरतू
से ही सब धंधा फाम रहे हैं। कहें क्या करी चोरी करे बेटवा पकड़ा जाए। भाई साहेब अब देखा बस रेव की निकल गई यशोदा मैया डाक दिन विशाखा तुम आके मेरे दरवाजे पे झूठा बतावा बड़कऊ चोरी करी के रहना और कहा तो कि कन्हैया चोरी करी है। श्रीम भगवान कन्हैया दुनिया के मालिक महान में से चला आवत है। भगवान कन्हैया माखन चलो मैया लल्ला हमार सो गया बदबा अरे तने में राधा अरे ललता हरन देखे थे ललता इशारा करते रहे दीदी वाह देखा वाह हाँ ये कौनो डुप्लीकेट कन्हैया अगर हाँ अरे तने में कन्हैया छीप के एस करते कन्हैया छीप के दिवाली से छीप के डॉक्टर साहब राधा हरन केस करते ले 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 पूरी पूरी हाँ अब ललता हरन बर्बाद यशोदा मैया कन्हैया से करी के लल्ला तू बरसान में गया अच्छा ललिता राधा विशाखा के यहाँ तू माखन चुरा ले। अरे कहन मैया इनहन के चक्कर में पड़ी अरे राम अरे इनहन अरे मैया ई बीरज कई थी नरिन अरे मैया ई बीरज कई थी नरिन झूलू कई दिन रहनावा बिरज कई दिन नरी झूलू कई दिन रहनावा बिरज कई दिन भगवान कन्हैया कह रहे माई बीरज के ढिंगरिन इनहान के चक्कर में तू पड़े चोरी करे बाबू चोरी करे बाबू एनहान लगे चली आई यहाँ और राधा कहे कौन जा तो बताओ तुहार कन्हैया कहे का करे तब कर कहे पाए गया तो तुमको फूंगा कहे ये तला रुक के कहे ये तला तो जुगाड़ करू लहला तक मैं घुसेरी हूँ जब थोड़े एसी वाले जगह से निकल ली और कहाँ उनका छिपोबू बतावा कहाँ छिपाए चरण तुहरे कहाँ हिम्मत बाबू हम निकल ले देख वही कहा बाबू जी मारी जितनी सुखिया थी सब राधा ललिता विशाखा एकदम सब शरमाई गई दो यशोदा मैया कहें कि राधा अन्ना कभी हिम्मत करके मेरे लल्ला को ई चोरी के इल्जाम न लगाऊ हमार लल्ला एकदम सही है लल्ला हमारे घर में छिपोई के माखन खाए के चढ़ावत बा झूठे बरतऊ चोरी करी गई रहे तू हमारे दरवाजे पे चली आई हो मारे शरम कमारा पानी पानी हो गये दो अब पानी पानी हो गये तुहे भगवान का नैया राधा हरण के आगे कहा कि हाँ कहा ए माई ए मैया ए मैया केवल ई राधा बा ई केवल राधा बा जब हम गाय चराव जाए जब हम गाय चराव जाए तो हमका दुल्हा बनावत हमका जब हम नाई नाई बनित ना जब हम नाई बनित तो हमका थोड़े गाय तमाचा मारत मार मार कहा तुम्हारा दुल्हा बना
अभी बाप बाप नाम के छोटी सी अवस्था भगवान कहिया यशोदा मुसुराय जी कहे कबिटवा राधा दुल्हा बनावा थे हमारे कहा कि हम नीक है हमारा दुल्हा बन जा तो यशोदा मिया मुसुराय जी ललिता ललिता विशाखा हरण कहे ऐसे बड़ी ऐसे बढ़िया को बेजती हुई बतावा कन्हैया सारी पोल खोल दे तो दुल्हा बनावत रहो बतावा वही भगवान कन्हैया कहा कहा कि अरे यशोदा मैया अरे यशोदा मैया नाम के दुल्ही न लिया यशोदा मैया नाम के दुल्ही न लिया यशोदा मैया हृदय के गार्जियन आप हमारे मार्गदर्शक और परम पूजनीय आप कभी राम गुलाब मोरिया जी बाकी मवैमा से इकलौती शिष्या आपने पाला है सावित्री बाबी जो वाकई में सावित्री बिरहा जगन में हम मेरा अंदाजा यहाँ तक सबसे पढ़ी लिखी लेडीज है पोस्ट ग्रेजुएट बालिका है और इस बिरहा क्षेत्र में अरे सावित्री ने ही दोनों पुरानी पढ़ा सावित्री जी के हस्बैंड साहब है राकेश जी दोनों पुरानी तैयारी कर रहे हैं दोस्त बने लेकिन संगीत इनका लगाव है इनका प्यार है एक जैसे कहा था कि नशा होता गीत संगीत का भी नशा है लोगों के अंदर अपना गा बजा रहे हैं बड़ा प्यार स्नेह मिलता भगवान कर खूब बढ़िया गवा और हमारे भी आप मार्गदर्शक है कम से कम हमारा अंदाजा है कि 200 से ज्यादा मैंने राम गुलाब गुरु जी की लिखी गीत नेट पे गाया है चाहे प्रीतिपाल हो चाहे प्रीतिपाल हो हम चाहेंगे कि बात गुरु जी आप मंच पे आ जाए एक बार जोरदार ताली आप देखा 200 रुपया तो दोहरी तरफ से रहा 100 रुपया हम और लगाए देते ठीक ताली बजाएगा आप थोड़ा से इलाहाबाद जनपद में राइटर की कमी है राइटरों की कमी है आज इलाहाबाद जनपद के कलाकार अगर पीछे जा रहे हैं गीत संगीत बिरहा से तो केवल कवि की वजह से मार खा रहे हैं मैंने खुद है जबरदस्ती किया हमने खुद गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप लेखनी उठाइए और पैसे से आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षा देने का काम करते हैं पैसे से आप प्रोफेसर हैं बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ आज हम सब जैसे तमाम बालकों को आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो ऐसे महापुरुष का एक बार पुष्प पहनाकर हम सम्मान कर रहे हैं सम्मान में हम चाहेंगे कि आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए और उससे कुछ नहीं चाहिए देखने के लिए आइए ले रहे ना जी आ कह जा उसे तो तेज है ये भरे ध्यान ऐसे महापुरुष का सम्मान करना जरूरी है जिस दिन कविराम गुलाब जी कलम उठाए तो एक कजरी लिखे प्रीतिपाल के साथ मैंने गाया था प्रीतम प्रीत लगी त्रिभुवन से ना सुभिया काहे भुलाया ना तो हमने गाया कि प्रीति प्रीत कहो त्रिभुवन से मनवा काहे गिराई होना यहाँ का सुना नेटवा पसर चकर मार दे त्रिभुवननाथ प्रीतिपाल सावित्री जी के साथ भी कई गीत मैंने गाया है इन्हों के साथ में देवर बना है कहूँ इन्हों बन गए